हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का अच्छे एवं संपूर्ण शिक्षा देने के एकमात्र स्थान अभिप्सा एजुकेशन फॉर एक्सीलेंस के इस ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, हम बात कर रहे थे अपने एग्जाम सीरीज मिशन 2023 के बारे में, जहां पर मैंने लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन किया हुआ था। मैंने डिस्कशन किया हुआ था अध्याय 4 से संबंधित एक नंबर क्वेश्चन और दो नंबर के लिए पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। आज की इस क्लास में मैं आपको 6 नंबर के लिए क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसके बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। तो आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ और आज की सेशन का आनंद उठाइए। तो देखिए, हमारा जो मिशन चल रहा था, मिशन का नाम क्या था, छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा मिशन 2023, जहां पर मैं बात करता हूं कक्षा 10वीं विषय गणित को। और आज का जो हमारा टॉपिक चलने वाला है वो है अध्याय 4 समांतर श्रेणी, और ये होने वाला है भाग 2। भाग 2 में 2 प्रश्न और भाग 3 में फिर से 2 प्रश्न मैं समझाने वाला हूं। तो इस तरह से टोटल 6 नंबर के लिए मैं आपको 4 क्वेश्चन समझाने वाला हूं। इन चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाला है। तो बस इन्हीं क्वेश्चन की आपको तैयारी करने और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आ जाइए, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपने क्वेश्चन पर आना चाहेंगे। और ये रहा हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन। बिल्कुल आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उसको नोट डाउन करते हुए चलना है। आ जाओ, चलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या बोला है और हमें निकालना क्या है। देखो, देखिए तो यहां पर यह बोला गया है कि 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 3 के गुणज है। क्या बोला गया है कि 1 से लेकर 100 तक के बीच जितने भी संख्याएं आते हैं उन सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 3 के गुणज होते हैं, जो 3 के गुणज है। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है सर। और यह पूछा गया था छत्तीसगढ़ 2017 सेट ABC, तीनों सेट में यह प्रश्न किया गया था। चलिए, अब यह क्वेश्चन चूंकि 6 नंबर के लिए आता है तो 6 नंबर के अनुसार हमें इसका आंसर लिखना पड़ेगा। कैसे इसका आंसर लिखें कि हमें अब पूरा में पूरा नंबर मिले। चलो अब इस पर हम बात करते हैं। देखो, पहले मैंने अपने बोर्ड को 2 भागों में बांट दिया। आ जाइए, यहां पर हम हल करना स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बच्चों में यहां पर कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारी मदद करने वाली है। बोला क्या गया था कि 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 1 से लेकर 100 तक के यहां पर मैंने चलो संख्याओं को लिख दिया, चलो यहां तक। फिर बोला गया था जो 3 के गुणज होते हैं, तो 1 जो है वो 3 का गुणज नहीं है, मतलब कि 1 जो है वो 3 के पहाड़े पर नहीं आता है। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा पर ही पड़ना। तो 1 और 2 ये दोनों जो है वो 3 का गुणज नहीं है, क्योंकि 1 और 2 दोनों जो है वो 3 के पहाड़े पर नहीं आता है। तो अगली जगह संख्या लूंगा मैं 2 के बाद 3, तो 3 जो है वो 3 का गुणज होता है और 3 के पहाड़े पर भी आता है। तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे अपने श्रेणी का, 3 से करेंगे। 3 के बाद आता है 4 और 5, ये भी 3 का गुणज नहीं है। तो अगली जो संख्या आती है 6, ये 3 का गुणज है। फिर अगली जो संख्या आएगी 9, फिर अगली जो संख्या आएगी 12। तो इस तरह से हम चलते जाएंगे। तो अंतिम कहां तक चलेंगे, तो अंतिम दिया गया 100। तो 100 बच्चों 3 का गुणज नहीं है, 100 3 के पहाड़े पर नहीं आता है। तो सौ से पहले क्या आता है, 99। हाँ, अब यहां पर मुझे दिख रहा है कि सर जो 99 है वो 3 का गुणज है, 99 3 से भाग चली जाएगी। तो अंतिम वाला पद क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो कथन के रूप में जो हमें सवाल दिया गया था, प्रश्न दिया गया था, वहां से हमें एक श्रेणी मिलने वाली है। ये हमें श्रेणी मिलने वाली है, और कोई भी जब हमें श्रेणी दी जाती है तो उसका हम पदों का योगफल आसानी से ज्ञात कर लेते। मैंने फॉर्मूला आपको बता दिया था। ठीक है, यहां पर आपको अंतिम पद का मान दिख रहा है 99। तो मैंने आपको पदों का योगफल वाले संबंधित 2 फॉर्मूला मैंने लिखवाया हुआ था, वहां से मैं सेकेंड फॉर्मूले के बारे में बात करूंगा। तो सेकेंड हमारा फॉर्मूला क्या था, SN = n/2 a+l। इस फॉर्मूले से हम पदों की संख्याओं का योगफल ज्ञात कर लेंगे। पहले वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा। अंतिम पद का जब मान मालूम रहता है तो हम इस वाले फॉर्मूले का यूज करते हैं। तो इस वाले फॉर्मूले में क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है, ए का मान तो हमें यहां से मिल जाएगा, फिर एल का मान भी हमें यहां से मिल जाएगा। ठीक है, और एन का मान हमें यहां पर दिख नहीं रहा है, तो सबसे पहले हम निकालना चाहेंगे एन का मान। अब एन मान निकालेंगे कैसे, चलो आ जाओ। तो यहां पर मैं कहां से स्टार्ट करूंगा अपने हल को, देखो तो यहीं से मैं करूंगा 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याएं जो 3 के गुणज है, जो 3 के गुणज है, निम्न है। चलिए, तो हमने पहले से ही निकाल लिया था उसको,
क्या था पहला हमारा? तीन था। चलो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, देखो। तो ये हो गया तीन, फिर आ गया छह, फिर आ गया नौ, फिर आ जाएगा बारह, और ये चलते जाएगा। अंतिम पद का मान क्या दिया है? निन्यानवे दिया है। पहले हमें निकालना है n का मान। क्या निकालना है बच्चों? n का मान निकालना है। देख लो, तो n का मान निकलेगा आपका अंतिम पद वाले फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे कैसे, देखो। तो यहां पर हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे प्रथम पद। यहां प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद ए बराबर, ए इज इक्वल टू प्रथम पद आपको यहां पर दिख रहा है तीन। क्या दिख रहा है सर? बिल्कुल तीन दिख रहा है, यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है सर। फिर हम निकाल लेंगे सार व अंतर का मान, कॉमन डिफरेंस जिसे हम बोलते हैं, सार व अंतर डी इज इक्वल टू। तो इसको कैसे निकालते हैं? द्वितीय पद ऋण प्रथम पद। तो द्वितीय पद यहां पर दिख रहा है छह, इस पर हम घटाएंगे पहले वाले पद को, पहले वाला पद यहां पर तीन है। तो डी इज इक्वल टू हमें मिल चुका यहां से तीन, डी इज इक्वल टू क्या मिल चुका? तीन मिल चुका। अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि यहां पर इस श्रेणी में अंतिम पद का मान क्या दिख रहा है, तो अंतिम पद का मान मुझे दिख रहा है सर निन्यानवे। क्या दिख रहा है? निन्यानवे दिख रहा है। तो अंतिम पद को भी हमने अच्छे से लिख दिया। अब हम अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वहां से एन का मान पता कर लेंगे। चलिए मैं भी फिलहाल इस वाले को, इस सूत्र को मिटा रहा हूं यहां से, आगे और लिखने ही वाले हैं उसको, तो फिलहाल अभी मैंने इसको यहां से मिटा दिया। चलिए आ जाइए, चलिए बताइए अब क्या करेंगे। देखो अब क्या करेंगे, अतः श्रेणी का अंतिम पद, अतः श्रेणी का अंतिम पद, श्रेणी का अंतिम पद, अंतिम पद वाले निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? तो जैसे हम n पदों का निकालते हैं, n पदों का मान क्या होगा, उसी प्रकार से अंतिम पद का दिखाता है। तो यहां पर n इज इक्वल टू ये होता है a प्लस n माइनस 1d। इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले, आ जाओ देख लो। चलिए बताइए, तो n का मान, n मतलब कि अंतिम पद का मान क्या दिया है? निन्यानवे। तो यहां पर आ गया निन्यानवे इज इक्वल टू a, a का मान कहा है? तो a का मान हमें मिला हुआ तीन, फिर प्लस n का मान ही ज्ञात करना, तो n माइनस वन ही लिखा जाएगा। d का मान भी तीन आया हुआ था, तीन यहां पर मैंने रख दिया। चलिए अब आगे कहानी सुनिए। तो ये हो जाएगा निन्यानवे इज इक्वल टू, तीन को पहले मैंने लिखा प्लस, तीन का गुणा करेंगे एन से, ये हो जाएगा थ्री एन, तीन का गुणा करेंगे ऋण एक से, तो ये हो जाएगा ऋण तीन, प्लस तीन और ये माइनस थ्री निपट गया। तो निन्यानवे इज इक्वल टू हमें मिल चुका थ्री एन, हमें निकालना है एन का मान, तो एन के साथ जो गुणा में है वो जाएगा भाग में, तो निन्यानवे के भाग में आ चुका तीन। एन का मान निकालना है, तो एन को मैंने पहले रखा, अब निन्यानवे को जब हम तीन से भाग करेंगे तो हमें मिलेगा तैतीस। एन का मान भी हमें मिल चुका तैतीस, कि पदों की संख्या यहां पर कितनी है? तैतीस है। तो हमें अब तैतीस पदों तक के संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, बिल्कुल सर कर देंगे ज्ञात, ठीक है। यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर है, आ जाइए। चलिए नेक्स्ट पेज को सॉल्व करते हैं। चलो बताओ क्या करेंगे हम, अतः श्रेणी का, अतः समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी के, श्रेणी के कितने पदों तक योगफल ज्ञात करने में, तो देख लीजिए कितना पद, तैतीस। अतः समांतर श्रेणी के 33 पदों का योग, 33 पदों का योग, योग देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू ये होता है एन बाय टू ए प्लस एल। पहले वाले फॉर्मूले से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा, तीन चार स्टेप ज्यादा हो जाएगा, उससे अच्छा हम छोटे वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे जब हमें एल का मान पता है। तो हमें निकालना है 33 पदों का योगफल, तो कैसे ज्ञात करेंगे, आ जाओ देखो। चलिए बताइए क्या हो जाएगा ये, तो n की जगह हम रखेंगे 33, तो s 33 बराबर n की जगह क्या रखेंगे 33 रखेंगे, तो 33 बटा 2, फिर a का मान हमें मालूम है कि 3 है, l का मान तो था 99, तो ये आ गया 99। तो s 33 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 33 बटा 2, 33 बटा 2, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब देखो 99 और 3 दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 102। क्या मिल गया? 102 मिल चुका। अब इसको हम भाग करेंगे तो 2 एक कम 2 और ये जाएगा 51 बार में, कितने बार बच्चों? 51 बार में जाएगा। तो एस 33 इज इक्वल टू हमें मिल चुका 33 का गुणा करेंगे हम 51 से, तो एस 33 इज इक्वल टू हमें मिल चुका 1683। आप गुणा करके देख लेंगे आपको क्या मिलेगा, 1683 मिलेगा। तो यहां पर 1 से लेकर 100 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल हमें मिल चुका है 1683, जो कि 3 के गुणज है। क्या है? 3 के गुणज है। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। अब अपने आंसर को यहां पर मैं लिखना चाहूंगा, देखो कैसे लिखेंगे। चलिए यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, देखो ये हमें फाइनल आंसर मिल चुका है, तो एक लाइन लिखने में दिक्कत क्या है? नहीं दिक्कत क्या, आ जाओ लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखेंगे कैसे, अतः 1 और 100 के बीच, अतः
एक और सौ के बीच, सौ के बीच सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या जो तीन के गुणज है, जो तीन के गुणज है कि जो तीन के गुणज है, जो तीन के गुणज है का योग, का योग, का योग हमें मिल चुका है। हमें क्या मिला है? 1683 है, 1683 है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। लास्ट लाइन में ये लाइन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसी लाइन में आपको एक नंबर मिलने वाला है। तो जैसे जैसे मैंने स्टेप फॉलो किया बच्चों, पूरा एज इट इज आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों सेट में पूछा गया था 2017 में। तो पीयूआई क्विज को मैं करा रहा हूँ, अच्छे से आपको डील करा रहा हूँ, पूछे जाने के चांसेस बनते हैं, तो अच्छे से इसको डील कर लेना है। आई होप मुझे ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक दो बहुत ज्यादा सरल होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लगा कर रखना इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेवन स्टार देकर रखना इसको, सेवन स्टार। सबसे ज्यादा जो चांसेस बनता है ना, वो इसी क्वेश्चन के बनते हैं, सेवन स्टार लगा के रखना इसको। आ जाओ अब इस क्वेश्चन को मैं पढ़ने जा रहा हूं, देखो क्या बोलता है। एक समांतर श्रेणी का पीवा पद एक बटा क्यू और क्यूवा पद एक बटा पी हो, तो सिद्ध कीजिए कि श्रेणी के पी क्यूवे पद का मान एक है। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बहुत ही सरलता से बनने वाला ये क्वेश्चन है। देखो यहां पर मैंने लिखा हल, ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है सर, ठीक है बिल्कुल। चलिए सबसे पहले मैं अपने बोर्ड को दो भागों में बांट देता हूं, बिल्कुल कहानी क्लियर है। चलो हम यहां पर मान लेंगे, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, माना समांतर श्रेणी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है क्वेश्चन, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद, का प्रथम पद ए, ठीक है ए, तथा सार्व अंतर, तथा सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस डी है। एक लाइन क्लियर है क्या? हमने अभी तक क्या किया है, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है, ठीक है। फिर बोला गया था प्रश्न अनुसार कि श्रेणी का पीवा पद बराबर एक बटा क्यू है। अब इसी बात को मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, तो हम यहां पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार श्रेणी का, श्रेणी का पीवा पद, पीवा पद जो है वो एक बटा क्यू है, तो यहां पर आ चुका एक बटा क्यू। यहां तक की कहानी क्लियर है। और श्रेणी का एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन होता है। यहां पर हम निकाल रहे पीवा पद का मान, तो एन की जगह हम क्या रख देंगे, पी माइनस वन डी अपनी जगह पर लिखा गया, बराबर ये हो चुका एक बटा क्यू। चलो इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर एक, क्या मिल चुका हमें, मिल चुका समीकरण नंबर एक। यहां तक की कहानी क्लियर है कि सर बिल्कुल। फिर आगे क्या बोला था कि क्यूवा पद जो है वो एक बटा पी है, क्यूवा पद का मान क्या है, एक बटा पी है। तो फिर से हम लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार, आ जाओ फिर ये हो जाएगा पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार, पुनः प्रश्न अनुसार कि श्रेणी का, श्रेणी का क्यूवा पद, क्यूवा पद जो है वो किसके बराबर है, एक बटा पी के बराबर है। बिल्कुल सर, तो क्यूवा पद का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए प्लस एन रहता है, एन की जगह क्यू को चिपका देना, चिपका दो तो क्यू माइनस वन इज इक्वल टू, ये डी भी आ गया ना साथ में, साथ में डी भी आता है, इज इक्वल टू ये होता है वन अपॉन पी। इसको चलो हम दे देते हैं समीकरण नंबर दो, दो हमें समीकरण मिल चुके हैं, दोनों समीकरण को हल करना है और ए और डी का मान हमें निकालना है। देखो तो इस केस में हम करेंगे क्या, समीकरण एक और दो को घटा देंगे, समीकरण एक में हम समीकरण दो को घटाने वाले हैं, आ जाओ घटा देंगे बिल्कुल। तो देखो ये क्या हो जाएगा, चलिए तो ये अब हो जाएगा, दूसरे कलर से लिखता हूं आपको दिखेगा नहीं, ठीक है आ जाओ। चलो तो ये हो जाएगा समीकरण एक ऋण दो से, समीकरण एक ऋण दो से, समीकरण एक में हम दो को घटाने वाले हैं, तो समीकरण एक को हम एक बार और उतार लेते हैं, ये हो जाएगा a प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू वन अपॉन क्या था, q था, वन अपॉन q था, ये समीकरण नंबर एक हुआ। समीकरण नंबर दो क्या है, तो इसी के नीचे में लिखेंगे a प्लस, ये हो जाएगा q माइनस वन डी इज इक्वल टू वन अपॉन पी, दोनों को घटाने वाले हैं, तो यहां पर मैंने लाइन खींच दी, दोनों को घटाने वाला, तो नीचे का जितने भी चिन्ह है सबका चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। चलिए
ऊपर में ए है और ये नीचे में माइनस ए है, दोनों लिपट गया, जीरो हो गया और जीरो को लिखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। यहां पर डी दिख रहा है, यहां पर भी डी दिख रहा है। चलिए ना दोनों जगह से हम डी को निकाल लेते हैं कॉमन, डी को मैंने निकाल लिया कॉमन सर बिल्कुल। फिर ऊपर में हमें दिख रहा है पी माइनस वन, पी माइनस वन दिख रहा है, फिर नीचे में क्या था माइनस, फिर ब्रैकेट में क्यू माइनस वन है। तो माइनस चिन्ह का हम दोनों में गुणा करेंगे, तो माइनस का गुणा करेंगे ये प्लस क्यू के साथ, तो ये माइनस में क्यू हो जाएगा और ये माइनस वन जो है वो प्लस वन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस चिन्ह का हमने दोनों पदों में कर दिया है गुणा। यहां तक की कहानी क्लियर है क्या? बिल्कुल। फिर यहां पर क्या दिया है, एक बटा क्यू है, फिर ऋण करेंगे किसको करेंगे, वन अपॉन पी को। चलो यहां पर ये हो गया, यहां तक समझ में आ गया क्या सर? बिल्कुल समझ में आ गया। चलो आगे इसको हल करते हैं। देखो तो आगे अब हमें क्या मिलने वाला, देखिए तो यहां पर ये देखो ये लिखा जाएगा डी, फिर क्या है यहां पर ये, यहां पर देखो हाँ ये प्लस वन और ये माइनस वन दोनों कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला पी माइनस क्यू मिला, हमें क्या मिला पी माइनस क्यू बराबर के बाद क्या मिलेगा, देखो P और ये Q दोनों तो आ जाएंगे लघुत्तम, P Q को मैंने निकाल लिया लघुत्तम, बाकी को त्रिज्या गुणा कर देंगे, P का गुणा करेंगे एक से तो ये हो जाएगा P माइनस, तो माइनस Q का गुणा करेंगे एक से तो ये हो जाएगा माइनस Q। यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे की कहानी सुनो। देखो तो हमें निकालना है D का मान, तो D इज इक्वल टू, यहां पर मैं इसको पूरा एज इट इज उतार दिया, P माइनस Q अपॉन में हो जाएगा ये पी क्यू। अब यहां पर जो गुणा में है ये कहां पर जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, तो ये भाग में लिखा गया पी माइनस क्यू, ये पी माइनस क्यू, ये पी माइनस क्यू कट चुका, तो डी इज इक्वल टू हमें मिल चुका वन अपॉन पी क्यू। ऊपर में कुछ नहीं, मतलब कि एक बचा हुआ है, हमें डी का मान मिल चुका है। जब डी का मान मिल गया है तो हम क्या करेंगे, अब हमें ए का मान निकालना है। ए का मान कैसे निकालेंगे, देखो तो D का मान आप किसी भी समीकरण में रख दोगे, दो समीकरण हमें मिले हैं, किसी भी समीकरण में रख देंगे हमें A का मान मिल जाएगा। चलिए हम समीकरण एक में ही रखने वाले हैं। देखो तो अब मैं लिखने जा रहा हूं, देखो ये हो जाएगा D का मान, D का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर चलिए रख देते, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, समीकरण एक को मैं एक बार और उतारना चाहूंगा, ये है a प्लस पी माइनस वन डी इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू है, ठीक है। चलिए d का मान हम यहां पर चिपका देते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस पी माइनस वन डी, डी का मान क्या था वन अपॉन पी क्यू, वन अपॉन पी क्यू था इज इक्वल टू ये हो गया वन अपॉन क्यू। चलिए यहां तक समझ में आ गया। चलो आगे आगे मैं इसको इस साइड सॉल्व करता हूं, आ जाओ हाँ, बताओ क्या हो जाएगा अब। चलिए तो आगे अब क्या करेंगे इसको, तो आगे क्या करेंगे, देखो a प्लस को मैंने कोई चेंज किया, इसको एज इट इज लिखा है, एक का गुणा होगा p माइनस वन के साथ, तो ये p माइनस वन ही लिखाएगा, बटे का पी क्यू लिखा चुका, ये बटे का पी क्यू बराबर, बराबर के बाद क्या था वन अपॉन क्यू था, ये वन अपॉन क्यू को मैंने लिख दिया। चलिए सर यहां तक की कहानी बिल्कुल क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब मुद्दा यह है कि क्या करेंगे सर, कुछ नहीं कर सकते, इसको सॉल्व करेंगे। देखो तो a इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू को मैंने एज इट इज लिखा, फिर इसको इस साइड पक्षांतर करेंगे तो दोनों का इसका चिन्ह हो जाएगा परिवर्तित, तो ये हो जाएगा p माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा, ये पी क्यू हो चुका, क्या मिल चुका पी क्यू। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, तो a इज इक्वल टू, इस लाइन को अच्छे से समझना, देखो Q और ये PQ दोनों में लघुत्तम आएगा PQ, क्या आ चुका लघुत्तम आ चुका PQ, फिर यहां पर PQ का गुणा इस वाले पद के साथ और इस वाले पद के साथ हम अलग अलग करेंगे, पहले मैं PQ का गुणा पहले वाले भिन्न के साथ करूंगा, तो PQ का मैं गुणा करने जा रहा हूं एक बटा क्यू से, ठीक है। यहां तक की कहानी क्लियर है सर, ये क्यू और ये क्यू कैंसिल हुआ, पी का गुणा करेंगे एक से तो यहां पर आ चुका पी, क्या मिल चुका पी मिल चुका है, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस मैंने चिन्ह लगाया, फिर इसी पी क्यू का गुणा करेंगे दूसरे वाले भिन्न के साथ, मैं बोल रहा हूं कि इस पी क्यू का गुणा अब आपको करना है p माइनस वन डिवाइडेड बाई पी क्यू से करना है, ये पी क्यू और ये पी क्यू कैंसिल हो गया, तो हमें यहां पर क्या मिला, हमें यहां पर ब्रैकेट में मिला हुआ p माइनस वन, क्या मिल चुका बच्चों p माइनस वन हमें मिल चुका है, ठीक है। चलिए यहां से इसको मिटाते हैं। चलो आगे देखो तो आगे क्या हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू ब्रेकेट ओपन करेंगे तो p, देखो ऋण चिन्ह का मैं इन दोनों पदों के साथ करूंगा गुणा, तो दोनों का चिन्ह हो जाएगा परिवर्तित, तो ये माइनस पी हो जाएगा और ये माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा पी क्यू हो जाएगा, ये प्लस पी और ये माइनस पी दोनों कैंसल, तो ए इज इक्वल टू हमें क्या मिला एक बटा पी क्यू, एक बटा पी क्यू मिल चुका, ए का मान हमें मिल चुका, देख लीजिए
ए का मान हमें मिल चुका है, डी का मान भी हमें मिल चुका है। अब श्रेणी के कोई सा भी पद का मान निकालने के लिए बोला जाएगा, हम उसको इजीली निकाल लेंगे। हमें यहां पर श्रेणी के पी क्यूवे पद का मान निकालने के लिए कहा गया था, जो कि एक आने वाला है। उत्तर हमें दे दिया गया है, एक आने वाला है। चलिए हम श्रेणी का एनवा पद ज्ञात कर लेते हैं। देखो, अतः श्रेणी का पी क्यूवा पद, हमें पी क्यूवा पद निकालना है ना, तो पी क्यूवा पद, ठीक है। तो एनवा पद का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ए हमारा होता है फॉर्मूला, ठीक है। चलिए एन की जगह हम रखेंगे पी क्यू को, तो ये हो जाएगा ए पी क्यू बराबर ए का मान, हमने भी निकाला था एक बटा पी क्यू है, तो ये हो जाएगा एक बटा पी क्यू, फिर ब्रेकेट में क्या लिखा जाएगा एन, एन का मान हमने क्या निकाला हुआ था, अरे एन का मान तो यहां पर दिया गया पी क्यू है ना, एन का मान क्या है पी क्यू, माइनस है तो माइनस, डी का मान क्या आया था, तो देखिए डी का मान कहां पर निकाले, यहां पर निकाले डी इज इक्वल टू क्या था, वन अपॉन पी क्यू था, तो यहां पर आ चुका वन अपॉन पी क्यू। चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो हम क्या करेंगे, यहां पर हमने कुछ मिस्टेक किया, क्या यहां पर प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है ना, यहां पर प्लस का चिन्ह आएगा, एक चीज ध्यान देना, यहां पर यह हो जाएगा एक बटा पी क्यू, फिर प्लस है, प्लस की जगह ये प्लस हो गया, ठीक है। चलिए तो इसको एज इट इज लिखते हैं, वन अपॉन पी क्यू को मैंने कोई चेंज नहीं किया, प्लस है तो प्लस, एक बटा पी क्यू का गुणा होगा पी क्यू और ये माइनस वन के साथ अलग अलग करेंगे, तो पहले मैं पी क्यू का गुणा करने जा रहा हूं, इस पी क्यू का गुणा करेंगे एक बटा पी क्यू के साथ, तो ये पी क्यू और ये पी क्यू कैंसिल हो गया, तो हमें मिला क्या, हमें यहां पर मिला है वन, क्या मिल चुका, वन मिल चुका, बिल्कुल सर। फिर एक बटा पी क्यू का गुणा करेंगे ऋण एक के साथ, तो ये हो जाएगा ऋण एक बटा पी क्यू हमें मिल चुका, तो ये धन का एक बटा पी क्यू है और यहां पर ऋण का एक बटा पी क्यू है, दोनों कैंसिल हो गया, तो हमें यहां पर मिला ए पी क्यू बराबर एक, ए पी क्यू बराबर हमें मिल चुका एक। और हमें यही तो सिद्ध करना था ना कि श्रेणी के पी क्यू वे पद का मान एक है, तो श्रेणी का पी क्यू वे पद का मान आ चुका है यहां पर एक आ चुका है, यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। चलिए अब लास्ट लाइन में अपने आंसर को लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो अतः श्रेणी के पी क्यूवे पद का मान एक है, यही सिद्ध करना था, लास्ट लाइन में लिखना यही सिद्ध करना था। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाला है, 7 स्टार लगा के रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन, जो कि अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन इस साल 100% ये पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। तो कुछ भी हो जाए, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करके जाना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ही कम समय में इसको आप सॉल्व कर पाओगे, मात्र 5 से 7 मिनट में आप इसको सॉल्व कर लोगे, अगर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आज की इस क्लास में बच्चों हमने 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर लिया है। मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ाया हुआ, मैं मानता हूं कि मैं स्पीड ही पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि मैं एग्जाम की तैयारी कराने के लिए आया हुआ, तो बेसिक को हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। मैं ये मानकर चलूंगा कि आपको मैथ्स का थोड़ा बहुत तो नॉलेज है, भाई आपने कक्षा 10वीं को साल भर पढ़ा है, तो बेसिक आपका तो कुछ ना कुछ तो है। अगर फिर भी लगता है कि सर हमारा बेसिक एकदम कमजोर हो चुका है, तो मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि आप हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए, वहां पर मैं कक्षा 9वीं और 10वीं दोनों कक्षाओं को अच्छे से पढ़ाया हुआ हूं। ऐप में जाकर हमारे सारे वीडियोज को आप देख सकते हैं, आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि सर हमारे समय अभी एग्जाम की तैयारी करना, अच्छे से अच्छे अंक, तो बस आप ये वीडियो देखिए और मैं ये मानकर चलूंगा कि आपका बेसिक एकदम स्ट्रांग होने वाला, ठीक है। चलिए अब इसका एक और पार्ट आएगा, जहां पर मैं 2 क्वेश्चन के बारे में और डिस्कशन करने वाला हूं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए तो आज का जो मैंने आज पढ़ाया है, जो 2 क्वेश्चन कराया है, उसको नोट डाउन कर लेना है और बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।